गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंडिचेरी T20 का सेकेंड मैच और एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं ड्रीम इलेवन का टीम भी दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा वीडियो अगर देखोगे। मैच होगा यानम इलेवन वर्सेज करैकल इलेवन के बीच, ठीक है। ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों के अपडेट्स के लिए वीडियो पूरा ध्यान से देखना। और इसी के साथ दोस्तों, अगले मैचेस के कवरेज अपडेट डेमो टीम के लिए दोस्तों आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो फटाफट आते हैं इस मैच के एनालिसिस पॉइंट में, काइंडली लाइक करके स्टार्ट रखना दोस्तों। यानम इलेवन वर्सेज करैकल इलेवन के बीच होगा मैच, 7:15 में ये मैच इंडियन टाइम स्टार्ट होने वाला है। पिच स्टैट्स, क्रिकेट एसोसिएशन पंडिचेरी का दोस्तों ग्राउंड यूज हो रहा है जहाँ पे 140-150 एवरेज स्कोर बन जाते हैं, बट विकेट बहुत सारा गिरता है, ये बात याद रखना। 26 मैचेस टूर्नामेंट का हो चुका है, 11 बैट फर्स्ट 9 बैट सेकंड ने विन किया, 6 मैच अब तक दोस्तों टूर्नामेंट का अबंडेंट हो चुके हैं। यानम इलेवन पहला जीता, फिर हारा, फिर जीता, फिर नो रिजल्ट, फिर हारा, फिर नो विन, फिर हारा, फिर विन, मतलब बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट टीम है जो एक जीतने के बाद अगला हारता है। लास्ट मैच ये जीत के आ रहा है, लेट्स सी इस मैच में शायद हार जाए, बट एज अ प्लेयर हमें जिनको रखना पड़ेगा, एक मस्ट पिक प्लेयर है। और दोस्तों टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट चल रहा है जहाँ पे थोड़ा सा बैटिंग करना मुश्किल है, उसके बाद भी दोस्तों इन्होंने बैटिंग से बहुत सारे पॉइंट्स दिया है अब तक, बढ़िया प्लेयर रहेंगे। क्या कैप्टनसी बनाऊंगा मैं एज अ बैटर, किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने से थोड़ा रिस्क है, अगर ये विकी करता है तो दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो। फैन कोड में इन्फो सेक्शन में दिख जाएगा, मैच में जाना फिर फैन कोड के इन्फो सेक्शन में जाना, दिखेगा ये विकी करेंगे भी या नहीं करेंगे। सुनील कुमार ने एक आधा नॉक डिसेंट खेला है, बट कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहा, ये बंदा बहुत सही है। शिवा सतीश देखो, ये बैटिंग से पॉइंट्स दे रहे हैं दोस्तों, अब ये बॉलिंग करते हैं बट लास्ट मैच में नहीं किया था, तो फिलहाल एज अ प्लेयर मैं रखूंगा, कैप्टनसी नहीं बनाऊंगा बट टीम में एज अ प्लेयर तो रखने वाला हूँ। तीनों का तीनों डिसेंट है, इनमें से सुनील कुमार थोड़ा सा एवरेज रहेगा, बाकी शिवा सतीश, के एन बाबू मस्ट बी प्लेयर। आर मुजेश को दोस्तों फिलहाल मैं नहीं लेने वाला, गणपति को भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको लो। सत्य प्रसाद अगर ये बॉलिंग करते हैं तो सही बात है, लास्ट के कुछ मैच में थोड़ा सा बॉलिंग से ओवर्स कट डाउन हुआ था, कई बार दोस्तों ओवर रिड्यूस हो जाता है या फिर सेकेंड इनिंग्स में टीम बॉलिंग करते हैं तो इसके लिए भी ओवर कट डाउन होता है, ये बात याद रखना। डी यसु राजू 4 ओवर ये कंसिस्टेंटली डाल रहा है, तो ये हो गया हमारे लिए एकदम से मस्ट पिक प्लेयर, ओके इसको छोड़ना मत। किशोर कुमार भी मस्ट पिक प्लेयर है, लास्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं निकला था बट उससे पहले इन्होंने अच्छा बॉलिंग किया, तो एज अ प्लेयर इसको भी रखूंगा मैं। तो किशोर कुमार, राजू, वो यहाँ पे हो गया कोला सतीश, हो गया के एन बाबू, चार प्लेयर मस्ट पिक है। डिफेंशियल थोड़ा सा सुनील कुमार अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एंड यहाँ से शिवा राजू पांचवा बॉलर दोस्तों, पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में से रहेंगे, जहाँ पे देखो आपको कंसिस्टेंटली चार ओवर दे रहा है। पहला मैच छोड़ दोगे तो ज़्यादातर मैच ओवर कंप्लीट है, टीम में रखना जरूरी है। अब छठा प्लेयर अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो इसको ट्राई कर सकते हो दोस्तों, बॉलिंग फर्स्ट में मल्लडी सुब्रमण्यम शर्मा बॉलिंग फर्स्ट, इसने लास्ट मैच में 4 ओवर डाला तो ये बन गया हमारे लिए डिफरेंशियल, ठीक है। एज अ ग्रैंड लीग प्लेयर हो सकते हैं दोस्तों, 2 ये निकाला। ये जो सुभाष वर्मा है ना, इन्होंने अच्छा खेला है दोस्तों, सुब्रमण्यम शर्मा ने, तो इसको रख सकते हो और बॉल फर्स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, ठीक है। ये कुछ बेंच में प्लेयर बैठे हुए हैं, इनमें से कश्यप रुद्र भी बहुत बढ़िया प्लेयर है, खेलता है तो लेना। अभिनव बॉलिंग, पी सतीश, शिवा राजू, एम एस शर्मा, डेथ में दोस्तों एम एस शर्मा, के एस वर्मा और शिवा राजू करते हुए दिखेंगे। ये ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन चेकआउट कर लेना दोस्तों, कुछ भी प्लेयर ऐड होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा एम एस शर्मा दोस्तों, ये हो गया जो आपको डेथ करते हुए दिखेगा, देखो डेथ कर रहा है 16, 19, 17, 19, 17, 19, 20, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20, डेथ बॉलर है, बॉल फर्स्ट कैप्टनसी, ठीक है। शिवा राजू एज अ प्लेयर लेना दोस्तों, कई कबार ये डेथ में कर लेते हैं और कई कबार ये मिड ओवर में करते हैं, देखो लास्ट के कुछ मैच में ये डेथ कर रहे हैं, तो दोस्तों इसको भी कैप्टनसी चाहो तो बना सकते हो। किशोर कुमार एज अ प्लेयर लेना, ये पहले के मैचेस में ना पीछे के डेथ में बॉलिंग डाल रहे थे दोस्तों, अभी देखो ये बॉलिंग ही पूरा नहीं कर रहे लास्ट के कुछ मैच में। वेंकटेश 8, 10, 12, 14, के एस वर्मा का कुछ ऐसा रिकॉर्ड, डी वाई राजू एज अ प्लेयर जरूर हम लोग ट्राई कर सकते हो दोस्तों अपनी टीम में, ठीक है। ये ओवर्स कट डाउन चेकआउट कर सकते हो। प्लेयर स्टेट्स इस सीरीज से पहले की प्लेयर्स के रिकॉर्ड है, यहाँ पे रिकॉर्ड रिव्यू कर लेना, कुछ भी प्लेयर ऐड होता है दोस्तों तो रिकॉर्ड देख लेना। करैकल इलेवन ध्यान देना, पहला विन किया, फिर नो रिजल्ट, फिर हारा, फिर 3 बैक टू बैक विन किया, ठीक है। थोड़े से हिट और मिस है बट कंपेयर टू इनका ओपोनेंट ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है। जी बाबू ये प्लेयर ना अच्छा है, डिफेंशियल इसको यूज कर सकते हो, लास्ट साल इनका अच्छा था, ये प्लेयर हो गया मस्ट पिक प्लेयर, अभी बॉलिंग करने लगे हैं दोस्तों तो इसको अभी कैप्टनसी भी बना सकते हो, बट कोई गारंटी नहीं कितना ओवर डालेगा। टूर्नामेंट का पहला 4 मैच में बॉलिंग नहीं डाला था, ठीक है, लास्ट 2 मैच में सिर्फ इसने बॉलिंग डाला। मणिकंदन एज अ प्लेयर ले लेंगे अगर खेलता है तो, ये कुछ ना कुछ पॉइंट दे देगा, कभी बैट कभी बॉलिंग से, और ये बॉलिंग करा सकता है दोस्तों, कभी कभार कराते कभी कभार नहीं। थिवागर एज अ प्लेयर जरूर लेना है,
बट देखोगे तो बैटिंग से भी पॉइंट्स दिया है, तो डिसेंट सा कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन भी होगा। लास्ट मैच में यस 4 ओवर तो किया था ना, विकेटलेस जा सकता है बंदा, बट 4 ओवर करना जरूरी है, तो 4 ओवर डाले थे। राम प्रकाश को फिलहाल मैं नहीं लेने वाला, बहुत नीचे बैटिंग कर रहा है। राजाराम ऐसा प्लेयर जरूर रखना पड़ेगा, ये बैट या फिर दोस्तों बॉलिंग से आपको कंसिस्टेंटली पॉइंट्स देगा, कुछ ना कुछ से पॉइंट दे देगा, तो एज अ प्लेयर रखना जरूरी है। किशोर कुमार कृष्णा कुमार ग्रैंड लीग चॉइस होगा दोस्तों, डिफेंशियल ये अगर 4 ओवर डाल लेना 2 ओवर की जगह, तो इसको 2-3 विकेट मिल सकता है, बॉल फर्स्ट ज्यादा सही है ठीक है डिफेंशियल ग्रैंड लीग में। राजकुमार एज अ प्लेयर रखना है तो रखो, स्टार्टिंग के मैचेस में ये ज्यादा ओवर डाल रहा था, बीच में एक मैच में ओवर नहीं डाला, लास्ट मैच में भी सिर्फ 2 डाला, बट 2 ओवर में भी दोस्तों इसने विकेट निकाला, तो 4 ओवर डालेगा तो और भी ज्यादा विकेट निकाल सकता है। कार्तिक हसन एज अ प्लेयर रख लो दोस्तों, इनका ओपोनेंट के मुकाबले ये टीम ज्यादा स्ट्रांग है, बट दोनों टीम अगर देखोगे ना, इनका तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत बैटिंग यूनिट, बट इनका जो बैटिंग यूनिट है ना, ये मुझे हेविली डिपेंड्स ऑन के एन बाबू के ऊपर लग रहा है। आइदर के एन बाबू नहीं खेला या फिर दोस्तों आउट हो गया, तो दोस्तों टीम कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा दिख के लग रहा है। इस टीम से ओपनिंग बॉलिंग कौन कराने वाला है दोस्तों, ये कुछ बेंच में प्लेयर है, इनमें से हरिप्रसाद ये बहुत ही कमाल का प्लेयर है दोस्तों, टूर्नामेंट बहुत अच्छा किया, 4-4 ओवर डाला है जब जब खेला है, इसको लेना है ठीक है अगर खेलता है तो। ओपनिंग बॉलिंग कौन कराएगा, राजाराम कराएगा, थिवागर कराएगा, सिकरन कराएगा, डेथ में राजाराम गोपाल और थमीजागन ठीक है। ये ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन चेकआउट कर सकते हो, कुछ भी प्लेयर यहाँ पे दोस्तों ऐड होता है ना, यहाँ पे रिकॉर्ड आप एक बार देख लेना, उसके बाद इफ़ यू वांट उनको ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। कुछ में यहाँ पे दोस्तों प्लेयर्स के पास रिकॉर्ड है, चेकआउट कर लेना ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन टीम में, और लास्ट जो मैच हुआ था दोनों के बीच वो एबंडन हो गया था रेन के रीजन से। अब चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम में, लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, जुड़ जाना टेलीग्राम जहाँ पे मैं आपको इस मैच के साथ साथ अगले मैचेस की कवरेज अपनी डेमो टीम शेयर करूंगा। चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम गाइस, फिलहाल जो मेरा ड्रीम इलेवन का टीम रहेगा ना, के एन बाबू रहेंगे हमारे पास यहाँ से बैटिंग सेक्शन से रहेगा कार्तिक हसन मस्ट पिक, राजाराम मस्ट पिक, किशोर कुमार अच्छा प्लेयर है मस्ट पिक प्लेयर है, मणिकंदन को ले सकते हो दोस्तों, डिसेंट सा चॉइस है बट ग्रैंड लीग में लेना। वर्मा फिलहाल मैं नहीं लूंगा, यहाँ पे हरिप्रसाद खेलता है तो लूंगा दोस्तों, अभी खेल नहीं रहा है तो नहीं ले सकता, सतीश वर्मा के साथ जाऊंगा। यहाँ से दोस्तों राजकुमार लेना जरूरी है, यहाँ से जीत थिवागर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है दोस्तों, सुब्रमण्यम शर्मा, थमीजगनार दोनों मस्ट पिक प्लेयर है, एस राजू अच्छा बॉलिंग डाल रहा है, डी राजू ओवर कंप्लीट करा रहा है, तो जो जो प्लेयर्स ने जितना जितना मतलब जितना इफ पॉसिबल दोस्तों जो जो ओवर प्लेयर ज़्यादा बॉल डाल रहा है ना, उसके साथ मैं ज़्यादा कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि उसमें ना रिस्क मिनिमाइज हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को ले रहे हो जो बॉलिंग ही नहीं कर रहा है या फिर उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहा है, हो सकता है वो बहुत सारा पॉइंट दे दे एक मैच में, बट अगले मैच में अगर बॉलिंग नहीं डाला, क्योंकि हर मैच में 2 ओवर में 2-3 विकेट निकालना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन आप अगर मेरे से पूछोगे, बहुत डिफॉल्ट कैप्टन कोई यहाँ पे नहीं है, कोई भी नहीं है बंदा, बट फिलहाल देखते हुए बॉल बैट दोनों करा रहा है, इसको कैप्टन बना दिया और थमीजागन को वीसी या फिर कुछ ऐसा बना दिया करेंटली देखते हुए, बट दोनों का कोई गारंटी नहीं है, टूर्नामेंट में हर मैच में दोनों ने ओवर कंप्लीट भी नहीं कराया। फिलहाल ये रहेगा कवरेज इस मैच के साथ साथ अगले मैचेस की कवरेज, अपडेट डेमो टीम शेयर होगा टेलीग्राम पे, जुड़ना है टेलीग्राम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे, थैंक यू दोस्तों।